ग्राफिकल एनालिसिस। हम लोगों को ग्राफ बनाना है और ग्राफ में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपको मोशन को दो तरीके से डिवाइड करके रखना है। पहले तो आप दो चीज समझेंगे। सबसे पहला इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्लोप। स्लोप से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा वो देखिए ध्यान से। सबसे पहला है हम लोगों के पास पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हम लोग शॉर्ट में एक्सटी ग्राफ लिखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे पोजीशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होगा। वर्टिकल एक्सिस पे एक्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टी होगा। अगर आप इसमें लाइन का स्लोप लिखेंगे तो स्लोप में आपको याद रहे डीवाई बाई डी एक्स, तो यहां होगा डीएक्स बाई डी टी। लिखते हैं डीवाई बाई डी एक्स, तो लिखेंगे स्लोप में डीएक्स बाई डी टी, और डीएक्स बाई डी टी का मतलब होगा वेलोसिटी। तो तुमको एक बात पता चलना चाहिए कि अगर हम लोग स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ पढ़ते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना कि वेलोसिटी के बराबर होता है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी के बराबर होता है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखेंगे उसको हम लोग वीटी लिख देंगे, वीटी ग्राफ। तो ये ध्यान रखना कि वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होगा। वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होगा। तो जब आप वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लेंगे तो स्लोप का मतलब होगा डीवी बाई डी टी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब होगा डीवी बाई डी टी और इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वी टी, स्लोप होगा डीवी बाई डी टी और वो तुमको देगा एक्सेलरेशन। सो रिमेंबर दैट कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो जब भी हम लोग वीटी ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो तुमको एक्सेलरेशन देगा, और अगर हम लोग एक्सटी ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो तुमको वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो स्लोप याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए अगला, अगला होता है एरिया से इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन फ्रॉम एरिया ऑफ ग्राफ। ग्राफ के एरिया से तुम क्या इंफॉर्मेशन निकालता है? सबसे पहला है बीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बीटी ग्राफ। मान लो जैसे तुम्हारे पास कोई बीटी ग्राफ बना है और ये ग्राफ ऐसा है, कुछ ए बी सी डी ई एफ करके है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल एरिया अंडर बीटी ग्राफ, और एक टर्म आता है नेट एरिया अंडर बीटी ग्राफ, इन दोनों में अंतर है। टोटल एरिया अंडर वीटी ग्राफ और नेट एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जब आप टोटल एरिया अंडर वीटी ग्राफ देखते हैं, टोटल एरिया अंडर वीटी ग्राफ देखते हैं तो आप एरिया ऑफ ए बी सी डी में एरिया ऑफ सी डी ई को ऐड करेंगे, सॉरी ए बी सी डी डी ई एफ को ऐड करेंगे, डी ई एफ को ऐड करेंगे। मतलब आप इस एरिया में इस एरिया को जोड़ दीजिएगा तो टोटल एरिया होगा, और ये टोटल एरिया हमेशा देगा डिस्टेंस। टोटल एरिया क्या देगा? डिस्टेंस।
लेकिन जब आप नेट एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालेंगे तो उसमें जो एरिया हम लोगों का पॉजिटिव है, जैसे एबीसीडी पॉजिटिव है, उसमें से जो एरिया हम लोगों का निगेटिव है, डीई एफ निगेटिव है, उसको माइनस करना होगा। एबीसीडी में से एरिया डीई एफ को माइनस करना पड़ेगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे देन इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। क्या तुमको समझा? अभी हम तुमको एक ऐसे ही बात पूछते हैं, ये मान लो 10 है और ये मान लो 3 है, तो बताओ डिस्टेंस कितना है? 13। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7। वेरी गुड। बस एक चीज आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का खत्म, अब आप आइए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एटी ग्राफ। हमेशा ध्यान रखना कि मान लो ये तुम्हारे पास कोई एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तो एरिया अंडर एटी ग्राफ इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर 80 ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को आप लिखते हैं वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ओके, तो जब कभी भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया का बात किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, कि आपको चेंज इन वेलोसिटी के साथ ये बराबर होगा। अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं तो वो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का टोटल एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस है, और अगर नेट एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी है, अगर आप वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, कभी मत भूलना, क्योंकि इसी पे आगे का पढ़ाई सारा बेस्ट है। नोट करो इतना अच्छे से। ये वाला चलो हम एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, उसी में क्या बताएंगे, एक छोटा सा हम क्वेश्चन यहां करा देते हैं ना उसी से। देखो क्वेश्चन ये है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां टाइम है, ये ग्राफ ऐसा है, ये ध्यान रखना 10 है और ये भी 10 है, टाइम है सेकेंड्स में। बोला गया फाइंड फाइनल वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। तो देखो करना क्या है ना, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक तुम्हारा एटी ग्राफ का एरिया ये है, तो जब आप निकालेंगे एरिया अंडर एटी ग्राफ, जब आप एटी ग्राफ के अंदर का एरिया निकालेंगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो क्या ये एरिया ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आता है? Yes, sir. तो सही लिखे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अब देखो इससे ये कटा 5, ये 50 हो गया, फाइनल वेलोसिटी निकालना, इनिशियल 5 दिया है, 5 इधर आके ऐड हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी इज 55 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया जी? जिनका डाउट था समझ में आया? Yes, sir.
तो ऐसे एरिया निकालना, उसको चेंज इन वेलोसिटी से इक्वेट करके जो नया वेलोसिटी चाहिए निकालना। चलो जी, सबसे पहला है डिस्कशन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल एनालिसिस फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी होगा कॉन्स्टेंट, जिसमें एक्सेलरेशन होगा जीरो। एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन है जीरो। हम लोग उसके मोशन से रिलेटेड एक्सटी ग्राफ और बीटी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। हर एक चीज को बहुत अच्छे समझना। अच्छा, ग्राफ का मतलब तुम क्या समझता, लाइन खींच देना। एक्चुअली ग्राफ क्या होता है ना, कुछ फिजिकल सिचुएशन को बताने का तरीका है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लाइन खींच दीजिए और जो उस लाइन को पढ़ना जानता है, लाइन को पढ़ना, स्टेटमेंट को पढ़ना अलग अलग बात है, जो उस लाइन को पढ़ना जानता है उसको सारा इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगा। तो आज आप सीख रहे हैं किसी लाइन को पढ़ना, इस लाइन को पढ़ना सीख रहे हैं आप, इस लाइन को पढ़ना सीख रहे हैं आप, इस लाइन को पढ़ना सीख रहे हैं, इस लाइन को पढ़ना सीख रहे हैं। बोलेगा सर सब तो लाइन ऐसे पढ़ेंगे क्या? अब देख, पढ़ने के लिए क्या क्या है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप निगेटिव है, इसका स्लोप इनफाइनाइट है, इसका स्लोप जीरो है। पढ़ने के लिए देखो, इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका भी कांस्टेंट है, इसका भी कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट, देख कितना चीज है पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा? तो लाइन को पढ़ना सीख रहा है, ठीक है। सबसे पहला है इसमें एक्सटी ग्राफ पोजीशन, टाइम, या फिर दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पोजीशन, टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। सी दैट, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में, अगर तुम्हारे कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो स्लोप होगा हमारे एक्सटी ग्राफ का, जो स्लोप होगा हमारे एक्सटी ग्राफ का वो भी कांस्टेंट होगा। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। अब सोच के बोलो, ग्राफ कांस्टेंट में क्या तुम ड्रॉ करता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है कि कर्व बनाता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि सो एक्सटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, कि मेरा जो एक्सटी ग्राफ होगा वो कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक्सटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, समझ में आ रहा? तो अब देखिए, एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो अब हर एक्सटी ग्राफ को समझना अच्छे से। तुम्हारे पास ये बना दिए एक एक्सटी ग्राफ, तुम्हारे पास ये बना दिए एक दूसरा एक्सटी ग्राफ, तुम्हारे पास ये बना दिए एक तीसरा एक्सटी ग्राफ, तुम्हारे पास एक और बना दिए चौथा एक ऐसा एक्सटी ग्राफ। और बनाना होगा और बनाएंगे। चलो, हर ग्राफ से तुम क्या पढ़ता है, तुम ग्राफ में क्या पढ़ता है जरा देखते हैं। बता, यहां का स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव। देखना ध्यान से, स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट, सही ना? तो याद रखना कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है।
और जीरो टाइम में बॉडी ओरिजिन पे है ना, जीरो टाइम में बॉडी कहां है भाई, ओरिजिन पे है। चलो अब यहां जाओ, यहां का स्लोप बोलो पॉजिटिव है या निगेटिव। अब यहां का जो स्लोप है वो स्लोप है पॉजिटिव और कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट, जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट। लेकिन क्या बॉडी जीरो टाइम पे ओरिजिन पे खड़ा है? नहीं, एक्स टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स नॉट के बराबर है, ओरिजिन पे नहीं, ओरिजिन पे नहीं। यहां का बताओ भाई, यहां का स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव? निगेटिव। तो जो मेरा स्लोप है वो निगेटिव है और कांस्टेंट भी है। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगा वो निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। और क्या जीरो टाइम में बॉडी ओरिजिन पे है? एक्स नॉट पे। चलो यहां जाओ, यहां का स्लोप बताओ पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। तो स्लोप मेरा निगेटिव है और कांस्टेंट है। तो जो मेरा वेलोसिटी है वो निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। और बताओ जीरो टाइम पे ओरिजिन पे है ना। अब हर सिचुएशन कहां में कहना फिगर बनाते, मान लो इसको ए कह दिए, जगह नहीं उधर बना देंगे, ये बी है, इसको तुम सी मान लो यार, और इसको डी मान। ए के लिए हम एक फिजिकल कंडीशन तैयार करते हैं, फिजिकल कंडीशन। इस फिजिकल कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन होगा। हाँ देखो, पहला टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे बॉडी यहां खड़ा है और वो राइट की तरफ जा रहा है। देखो ये जीरो टाइम पे जीरो पे खड़ा है और वो वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट राइट की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से राइट की तरफ जा रहा है। ये ए वाले का फिगर है, ए वाले का फिगर। बी वाले का फिगर देखो, बी वाले के फिगर में जीरो पे नहीं खड़ा, वो कहीं यहां खड़ा है, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे खड़ा और यहां से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? टी इक्वल्स टू जीरो टाइम में यहां खड़ा और उसके बाद फिर आगे जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। थर्ड देखो, सी जीरो टाइम में एक्स नॉट पे खड़ा है, एक्स नॉट पॉजिटिव है, कहीं यहां खड़ा है, यह है टाइम जीरो। लेकिन बताओ यहां से राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है क्योंकि उसका वेलोसिटी है निगेटिव, लेफ्ट जा रहा है क्योंकि उसका वेलोसिटी है निगेटिव। समझे क्या आप? इसलिए देखो थोड़ी देर के बाद वो ओरिजिन से गुजरेगा। देखो यहां जा रहा है ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना जीरो टाइम, और फिर नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। समझे क्या? डी देखो, डी तुम्हें बताना कहां रखे, किधर भेजे, बोलो कहां रखे, ओरिजिन पे सर, किधर, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। कांस्टेंट वेलोसिटी ये है एक्स इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रहा क्या? ये चारों फिगर आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ए से रिलेटेड बना रहे हैं, एक्चुअली हम लोग बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा बताओ, क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल इस केस में?
कॉन्स्टेंट है, एक्सलेशन जीरो है। एक्सलेशन जीरो का मतलब है कि स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इज जीरो, स्लोप बीटी ग्राफ का जीरो होगा। ओके अब जरा गौर करना, ए से रिलेटेड ए डैश बना रहे हैं ग्राफ, ए से ए डैश बना रहे, ए से ए डैश बना रहे। इसमें देख वेलोसिटी पॉजिटिव है और कॉन्स्टेंट, तो इसका बीटी ग्राफ होगा पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट, समझे क्या? अब देखो बी से बना रहे बी डैश, वेलोसिटी टाइम, इसमें भी पॉजिटिव और कॉन्स्टेंट है, तो इसका भी ग्राफ ऐसे ही होगा पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट। सी देखो, सी सी का सी डैश देखो, सी का सी डैश देखो, बोलो वेलोसिटी कैसा है? निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट, तो निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। और डी का डी डैश फिर से वेलोसिटी टाइम निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। क्या तुमको ये चारों ग्राफ समझ में आया, बीटी ग्राफ? ठीक है, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट, तो ए और बी डैश, निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट, निगेटिव एंड कॉन्स्टेंट, सी और सी डैश। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल देखिएगा बस। हाँ बताइए, देखिए आपके पास एक्सटी करके दो ग्राफ है, दो बॉडी मूव कर रहा है, उसका एक्सटी ग्राफ है ए और बी। देख के बताओ कौन सा बॉडी फास्ट है, कौन सा बॉडी तेजी से मूव कर रहा है, ए या बी? ए। कैसे पता चला तुमको? ए। वेरी गुड वेरी गुड। स्लोप हमारा ए का बी से ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा होने का मतलब है कि ए का वेलोसिटी बी से बड़ा है। क्या तुमको समझ में आया? अगला एग्जांपल देखो, बोलो कौन फास्ट है, कौन फास्ट है, पी या क्यू? पी फास्ट है। अच्छा t इक्वल्स टू जीरो पे कौन आगे है? q आगे है, xq xp से ज्यादा है जीरो टाइम पे, सही है ना? q यहां खड़ा है और p यहां खड़ा है। क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? yes, बताइए कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, कौन किसको ओवरटेक कर रहा है? हाँ वेरी गुड, पी क्यू को ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि क्यू आगे था, पी पीछे है, पी का वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो क्यू को ओवरटेक करता है। पी ओवरटेक्स क्यू, समझे क्या? ये वो टाइम है जब ओवरटेकिंग हुआ, पी क्यू के बराबर पहुंच गया, उसके बाद पी आगे निकल गया। अगला इंफॉर्मेशन बाहर से देखना, ये एक्सटी ग्राफ है, ये ए है, ये बी है, बोलो कौन फास्ट है, कौन फास्ट है, ए या बी? बी फास्ट है। वेरी गुड, कारण बताओ, स्लोप ज्यादा है ना? पी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे कौन आगे है, ए या बी? दोनों एक जगह पे है, एक्स ए और एक्स बी दोनों बराबर है, जीरो है। देखो जीरो टाइम में ये भी यहां और जीरो टाइम में ये भी यहां। अब बताओ लेट से कौन स्टार्ट हुआ, विच स्टार्ट फर्स्ट, विच स्टार्ट फर्स्ट, पहले कौन स्टार्ट हुआ? ए स्टार्ट हुआ,
ए जीरो टाइम पे ही स्टार्ट हो गया, जबकि बी है ना मान लो 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ, बी 5 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ, ओके। कौन किसको ओवरटेक कर रहा है? वेरी गुड, बी ओवरटेक्स ए, बी ए को ओवरटेक कर रहा है, क्लियर है? अब एक सिचुएशन सुनना, तुम अपने घर से श्रीवास्तव क्लासेस आया पढ़ने कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर श्रीवास्तव क्लासेस में 2 घंटे का क्लास किया और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से रिटर्न चलाए, क्या तुमको पूरा लाइन समझ में आया? तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से श्रीवास्तव क्लासेस में आया, क्लास किया 2 घंटे का, उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से घर चला गया, उसका एक्सटी ग्राफ बनाना है, बोलो कैसा बनेगा? अच्छा हम बनाते हैं, जरा बताइएगा इसमें क्या गलती है या सही है। बताइए ये सही है या गलत है? अगर सही है लास्ट लाइन यहां जो बना है वो यहां नहीं होगा, तुम्हारे हिसाब से किधर होगा? ऊपर होगा, ये बोल रहे हैं ना, तुम्हारा कहना है यहां से ऐसे फिर ऐसे। चलो जी मान लो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन हो गया, कोई और किसी का कुछ? मेरे दिमाग में एक और है, किसी के और दिमाग में कुछ? कोई कुछ बता सकता है कि सर ऐसे ड्रॉ कीजिए? सर बोलो बोलो, मेरे दिमाग में एक और है, यहां से ऐसे चलते जाए, पता इसमें से कोई भी ग्राफ गलत नहीं है, आप सुनिएगा ग्राफ का मतलब समझिए, इसमें से कोई भी ग्राफ गलत नहीं है, लेकिन हर किसी का डी कोडिंग जब आप करेंगे, मीनिंग निकालेंगे, तो वो हो सकता है मेरे बताए गए कोड के हिसाब से मैच ना करे। तो सर आप क्या बोल रहे हैं थोड़ा बताइए। देख सही आंसर ये है, तो पहले गलत पे बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप घर हैं, घर में हैं, आप श्रीवास्तव क्लासेस आए, आप श्रीवास्तव क्लासेस में कुछ देर तक पढ़े, उसके बाद आप किसी फ्रेंड के घर में चले गए, अपने घर में नहीं गए, अपने घर में जाते तो वापस आ जाते। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर से चले, श्रीवास्तव क्लासेस आए, लेकिन यहां रुके नहीं, वापस अपने घर चले गए। डिड यू गेट दिस? समझ में आ रहा है? और इसका मतलब है कि आप कहीं एक जगह, मान लो रोड पे कहीं घूम रहे थे या फ्रेंड के घर थे, और हमेशा फ्रेंड के ही घर में बैठे बैठे चाय पी रहे, ओके, पढ़ाई तो करता नहीं है, चाय पी रहे। तो सर इसका मतलब बताइए, देखो सबसे पहले तुम अपने घर में है, उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से श्रीवास्तव क्लासेस पहुंचा, फिर पूरा 2 घंटा का क्लास में तुम्हारा पोजीशन नहीं बदला है, तुम श्रीवास्तव क्लासेस में ही है, और फिर उसके बाद देखो जो पॉजिटिव वेलोसिटी से आया था निगेटिव वेलोसिटी से वापस तुम घर चला गया, क्या तुमको समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? ये तुम्हारे पास एक एक्सट्री ग्राफ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। बताओ पॉजिटिव वेलोसिटी किस किस के पास? ए बी सी। निगेटिव वेलोसिटी किसके पास? वेलोसिटी ए, वेलोसिटी बी और वेलोसिटी सी में सबसे बड़ा कौन? सी, वेलोसिटी सी।
बिल्कुल सही, सी इज मैक्सिमम। और सबसे छोटा कौन? बी इज मिनिमम। सो ऑर्डर इज बीबी, बीए एंड बीसी। ठीक है, बताओ बी किसको ओवरटेक कर रहा? बी ओवरटेक्स बी नहीं, सॉरी सॉरी, ए ओवरटेक्स, ए ओवरटेक्स किसको? ए किसको ओवरटेक कर रहा? बी को। सी ओवरटेक्स किसको? ए एंड बी। टाइम ऑफ स्टार्ट, टाइम ऑफ स्टार्ट, अर्लियर फर्स्ट, बोलो सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ? नहीं, सबसे पहले एक टाइम में स्टार्ट हुआ है ए, बी, डी, तीनों एक साथ ही स्टार्ट हुआ, जीरो टाइम में तीनों स्टार्ट हो गया। देख लो, ए, बी एंड डी, ये तीनों एक साथ स्टार्ट हुआ, स्टार्ट एट जीरो, स्टार्ट टी इक्वल्स टू जीरो। और सबसे लास्ट में सी स्टार्ट्स एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, सबसे बाद में टी नॉट पे सी स्टार्ट हुआ। क्या समझ में आ रहा तुमको? Yes, तो ये सारा इंफॉर्मेशन उस लाइन के अंदर छिपा है, जो लाइन आपके सामने हम बना देंगे उस लाइन के अंदर ये इंफॉर्मेशन छिपा है। क्लियर है? और अपने से ये सब डिकोड करना है। क्या तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो चीज पे ध्यान रखिएगा इसे। अब देखिए, एक एक्सटी ग्राफ को देख के भीटी ग्राफ, कन्वर्शन ऑफ एक्सटी ग्राफ टू बीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ को देख के बीटी ग्राफ बनाना है। छोटा सा पहले, अगर हम तुमसे बोलेंगे कि देखो भाई ये एक्सटी ग्राफ है, इसका क्रॉस्पॉन्डिंग बीटी ग्राफ बना दो, तो बस देखो यहां पे स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, सही है ना? तो बस इसका क्रॉस्पॉन्डिंग बीटी ग्राफ पॉजिटिव और कांस्टेंट बना दो। ओके, अब देखो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा। ये मेरा एक्सटी ग्राफ, इसका क्रॉस्पॉन्डिंग बीटी ग्राफ बनाना है। इसका क्रॉस्पॉन्डिंग बीटी ग्राफ बनाना है। क्या शुरुआत में यहां से यहां तक सोचिए, बोलिए वेलोसिटी कैसा, पॉजिटिव और कांस्टेंट या निगेटिव कांस्टेंट या जीरो? तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ओके, अब बताइए यहां से यहां तक वेलोसिटी कितना? जीरो, 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 दिस इज जीरो। ओके, और फिर बताओ यहां से यहां वेलोसिटी कैसा? तो दिस इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। डिड यू गेट दिस? नेगेटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, जीरो एंड नेगेटिव एंड कांस्टेंट। क्लियर है? अगला देखो, थर्ड। ये एक्सटी ग्राफ बनाना है क्रॉस्पॉन्डिंग बीटी ग्राफ। हाँ बोलो जी, पहला वाला हाफ में वेलोसिटी कैसा? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ओके, और अगले हाफ में कैसा? निगेटिव एंड कांस्टेंट। दिस इज योर बीटी ग्राफ, सही है? अगला देखो, फोर्थ, फोर्थ देखो, लास्ट, खत्म कर रहे हैं आप। ये तुम्हारा एक्सटी ग्राफ, इसका ड्रॉ करना है बीटी ग्राफ। शुरुआत में बोलो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, उसके बाद बोलो जीरो, उसके बाद फिर पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ओके,
क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि कोई एक्सट्री ग्राफ देख के वीटी कैसे बना देंगे? चलो भाई नोट करो फटाफट। ऐसा तुम सिचुएशन देखना, यहां से एक बॉडी एक्स एक्सिस पे चल रहा है, टी इक्वल्स टू जीरो से लेके टी इक्वल्स टू थ्री सेकेंड्स तक उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड से लेके टी इक्वल्स टू 8 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड से लेके सॉरी 8 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज B3। अब हमको इसका क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ बनाना है। एक्सटी ग्राफ तो हम एक्सटी ग्राफ को 3 इंटरवल में ऐसे डिवाइड कर देंगे, 0 से लेके 3 सेकेंड, फिर 3 से लेके 8 सेकेंड, और 8 के बाद ये 10 सेकेंड। शुरुआत में वेलोसिटी 5 है तो 5 के हिसाब से एक स्लोप बना दिया गया। ये स्लोप जो होगा, मान लो ये थीटा 1 है, तो याद रखना कि टैन थीटा 1 5 मीटर पर सेकेंड होगा। समझे क्या? उसके बाद जरा देखो वेलोसिटी बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। तो याद रखना थोड़ा स्लोप बढ़ जाएगा, जो स्लोप चल रहा था उससे स्लोप थोड़ा बढ़ जाएगा। मान लो ये एंगल थीटा 2 है, तो याद रखना कि V2 इज इक्वल टू टैन थीटा 2 एंड दिस वन इज 10 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद जो आगे का लाइन है उसमें थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे जगह थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, जरा देखिए 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप बढ़ा दें या घटा दें? एकदम कम होगा ना, एकदम कम होगा ना। ऐसा ये थीटा 3, तो याद रखिएगा V3 इज इक्वल टू टैन थीटा 3 एंड दिस वन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये फिगर समझ में आया? एक बॉडी यहां से इधर चल रहा है, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, कैसे दिखा? 0 से लेके 6 मीटर तक चला है, टाइम उसको लगा है 3 मीटर 3 सेकेंड, और फिर 6 मीटर के बाद वो पहुंचा है 20 मीटर पे, और उसको यहां से यहां तक 6 मीटर से 20 मीटर तक पहुंचने में उसको लगा है टाइम 2 सेकेंड मान लो केवल। अब कोई बोल दे कि इसको देख के उसका एक्सटी ग्राफ बनाओ, पहले उसका एक्सटी ग्राफ बनाना है और फिर उस एक्सटी ग्राफ के बेसिस पे उसका वीटी ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ। तो देखो जी, 3 सेकेंड 3 सेकेंड और 2 और 5 सेकेंड, 3 सेकेंड तक कितना मीटर चला? 6 मीटर। तो यहां 6 मीटर पे मार्क कर लेंगे, ओके। और देखो 3 सेकेंड और 6 सेकेंड को मिला के ऐसे कर दिए। अगर गौर करना, 6 मीटर यहां है तो 20 मीटर तो कहीं यहां होगा, फिर 20 मीटर इधर से आएगा और 5 सेकेंड इधर से आएगा, और उसको मिला के ऐसे ड्रॉ कर दिए। समझे क्या? Yes. क्या आप सबको समझ में आ रहा? देखिए यहां का वेलोसिटी देखिए 6 मीटर 3 सेकेंड, क्या यहां का वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड है? और 6 मीटर 20 मीटर मतलब 14 मीटर 2 सेकेंड, क्या यहां का वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है? तो तुम खुद देखो, यहां के वेलोसिटी से यहां के स्लोप से ये वाला स्लोप बहुत ज्यादा है। क्या तुमको फिगर समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर इसका वीटी ग्राफ बनाना पड़ा तो पॉजिटिव लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ये 3 सेकेंड तक हो गया, उसके बाद पॉजिटिव लेकिन 7 मीटर पर सेकेंड, ये 20 सेकेंड पर 5 सेकेंड, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड
एंड दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आ रहा है ग्राफ? आपको हर जगह समझ में आ रहा है ना स्लोप का मतलब क्या है, वेलोसिटी कैसे सोच रहे हैं ये सब? तो देखिए ये था आज आपका एक्सटी ग्राफ और बीटी ग्राफ। किस केस में आप पढ़े भाई? जिस केस में वेलोसिटी कैसा हो? कांस्टेंट वेलोसिटी का। अच्छा, इस पूरे सिचुएशन में अगर कभी कोई तुमसे बोल दे कि चल भाई वेलोसिटी तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो जरा इस केस में 80 ग्राफ बनाओ। 80 मतलब समझ गया ना एक्सेलरेशन टाइम। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना। तो समझ जाइएगा कि ये नीचे वाला जो लाइन होता है ना वही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, क्योंकि यही एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो दिखाता है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है एक्सेलरेशन का बस एक ही ग्राफ होता है, ये वाला लाइन जीरो। ठीक है, इसको ऐसे ही बना लो। अगले दिन पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहां वेलोसिटी वेरिएबल होगा एक्सेलरेशन होगा। तो आप अगले दिन जब बैठेंगे ये सारा चीज आप अच्छे से करके रखेंगे, एकदम हर चीज आपको पता होना चाहिए, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपको पता होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत?